हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? हमारे यूट्यूब चैनल भावना किचन में फिर से स्वागत है आपका एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे देसी टिंडे की सब्ज़ी। तो ये टिंडे लिए हमने यहाँ पर आधा केजी, और जिसको अच्छी तरह से धोकर और छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब गैस को ऑन कर दिया है और इसके ऊपर पतीला रख दिया है। पतीले के अंदर हम डाल दिया 1 चम्मच सरसों का ऑयल, और ये थोड़ा दही काम में लेंगे। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डाल दिया है थोड़ा जीरा और तेज पत्ता और चुटकी भर हींग। तो इसको थोड़ा हम पका लेते हैं। और ये देखिए हमारा चौकंड भी आ गया है। बहुत ही अच्छी टेस्टी हेल्थली सब्जी बनती है देसी टिंडे की। ये इस समय बरसाती मौसम में उपलब्ध हो जाते हैं खेतों में। अब इसके अंदर हमने टिंडे डाल दिए हैं, तो अब इसको थोड़ा हम फ्राई कर लेते हैं तेल के अंदर। और अब इसके अंदर हम डाल लेंगे मिर्च मसाला है यहाँ पर 1 चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर स्वाद के अनुसार, नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी को इसके अंदर डाल दिए पतीले के अंदर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है इस प्रकार आप बनाते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए गैस को हम थोड़ा मीडियम फ्लेम पर कर देंगे, तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे करड, इससे टेस्ट ही भी अच्छा आएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी और लाजवाब सब्जी बनकर तैयार होगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इसके अंदर थोड़ा हम पानी डाल देंगे। आप पानी कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप ग्रेवी जितना चाहिए उतनी कर सकते हैं। और अब उसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके रख देंगे, जैसे कि अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगी। ये देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप रोटी पूरी पराठा के साथ खा सकते हैं। अर्थात धन्यवाद, थैंक्स सो मच वॉचिंग।